वेलकम गाइस इन इंग्लिश मिंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ किचन थिंग्स जो रोटी से रिलेटेड हैं। गेहूं के आटे को हम कहते हैं वीट फ्लावर। वीट फ्लावर गूंदने या सानने को हम इंग्लिश में कहते हैं नीट। नीट पके हुए आटे को हम इंग्लिश में कहते हैं डो। डो कि जो लोइयां होती हैं हम उसे डो भी बोल सकते हैं। और प्लेट। प्लेट आटा गूंदने वाली परात को हम बोलते हैं प्लेटर। प्लेटर बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन ये बेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू रोल आउट ब्रेड या चपाती। टू रोल आउट ब्रेड या चपाती। चिमटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स, क्योंकि ये डबल होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं टोंग्स। रोटी सेकने वाली तवा को हम कहते हैं ग्रिडल। ग्रिडल रोटी सेकने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बेक ब्रेड या चपाती। टू बेक ब्रेड और चपाती। आटा छानने वाली छलनी को हम इंग्लिश में कहते हैं शीव। सीव आटा छानने को इंग्लिश में कहते हैं टू सीव फ्लावर। टू सीव फ्लावर। टू वन इज हम लोग रोटी को इंग्लिश में चपाती भी बोल सकते हैं और रोटी भी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।